लड़की को बुला दे प्लीज प्लीज प्लीज। क्यों बुला दे मैं लड़की को? हमने कोई बकरा मंडी खोल रखी है कि मेंढा दिखा दो? तो अगर कोई दो दांत का बकरा होवे तो वो दिखा दो, जो कोई तगड़ी की भैंस होवे तो वो दिखा दो है? और ये जो गुलाबी कपड़ा तुमने पहन रखा है ना लालू खेत में, ये फुटपाथों पर कट पीस में मिल रहा था, मैं भी लाई हूँ ताकि के वास्ते अपने घर में। कपड़े में भी दो क्वालिटियां आ गई हैं, और ये तो मैं अम्मा के लिए तारिक रोड से खरीद के लाया था। अम्मा कपड़ों में नहीं, इंसानों में भी दो नंबर क्वालिटियां आ गई हैं। आदमी शक्ल देखे और पहचान लेवे। इतनी जली कटी बातें क्यों कर रही हो अम्मा? अम्मा अम्मा किसको कह रहे हैं तू? तुम्हें कह रही हूँ, जाहिर है अब अपने बेटे को तो अम्मा कहने से रही। तू तो बड़ी नन्ही है, पोतलों में खेलने वाली मार सकते हैं, गोद में तुझे बिठा लूं अपनी? शर्म तो आवे नहीं है, एक वो अकेला है, खाला कहवे है, ये तो उनसे दो हाथ आगे निकल गई, अम्मा कहवे है, लानत है उम्र छुपाने नालों पर। अरे मैं तो इज्जतन कह रही थी अम्मा। इज्जतन? अरे इज्जतन कौन सी उर्दू में लिखा जावे है? कहीं तुम लोग रांगण वांगण तो नहीं हो? ना भैया, हम दिल्ली वाले रांगणों में अपनी लौंडियां नहीं देवे हैं। हम बुलंदशहर के रहने वाले हैं। अच्छा, बुलंदशहर के रहने वाली हो, लेकिन तुम में तो मुझे कोई बुलंदी ना नजर आवे है। घर आए मेहमानों के साथ ऐसा सुलूक करना शोभा नहीं देता। शोभा शोभा, तू कहीं हिंदुआनी तो नहीं है? सच सच बता, तेरा असल नाम शांति देवी है या कनन बाला? और ये कौन है, लालक झज्जू राम? क्या एक बात को पकड़ कर बैठ गई आप? पूरा पाकिस्तान स्टाफ लग देख रहा है, और अब तो सियासतदान भी अपने जलसों में हिंदी में बात करते हैं। अरे तो पूरी दुनिया अगर कुत्ते पर बैठ जावे तो तू भी कुत्ते पर बैठ जाओगेगा? ये मिसाल मेरी समझ नहीं आई। जन्म के अंधे नाम नाइंसुख, ये तो और भी समझ नहीं आई। किस्सा मुख्तसर ये कि हम अपनी लौंडियां छोटे खानदान वालों को देने वाले नहीं हैं। हाँ, अगर कोई हम पल्ला खानदान होवे और दिल्ली का लौंडा होवे तो फिर बात और है। साफ साफ कहो ना, बेटी की कमाई खाने की आदत पड़ चुकी है तुम लोगों को। अरे तो चुप कर, मैं तो देख चुकी हूँ तुम्हारी उस बद्रिका पद्रिका को, यही मनुष्य मारा जा रहा हूँ सापा जान पे, वरना मैं तो कभी यहाँ थूकती भी नहीं। तो बा कैसी गंदी औरत है, थूकने चाटने की बात करे है? मुझे तो तू शक्ल से ही चपरासन लगे है। अल्लाह बख्शे, कुद्दूसी साहब कह रहे थे शकूरन आदमी शक्ल से गरीब ना हो, जो आदमी शक्ल से गरीब हो गए तो उसे देख कर नहुसत सी बरसे, घिन सी आवे है। और तू तो मुझे शक्ल से ही फकीर नहीं लगे है, जब तक तूने ये भिखारी जना है। अरे तेरा उठने का इरादा है या नहीं, या भी और इस जबान दराज फसादन बुढ़िया से अपनी माँ की शान में तारीफ ही कलमा सुनेगा? खुदा गारत करे, घर आए हो कि बेइज्जतियां करती है। बेइज्जतियां? आइए, कौन सी उर्दू में लिखा जावे है बेइज्जतियां? बहुत बड़ी जाहिल औरत लगे है मुझे तो। और तुझे किसने बुलाया था? तू तो खुद मटकती थिरकती आमरी है यहाँ। अरे अच्छा, वो पहली मुलाकात में असलियत खुल गई इसकी। कदर उल्लू की उल्लू ही जाने, हुमा को कब चुगत पहचाने आए। ये तो और भी समझ नहीं आई। गुप्ता जा खजिस्ता से कहियो चाय न लिए वो। Tak, 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 tak